तो आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे फेसबुक में टिकटॉक लिंक कैसे डालें। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले फेसबुक ऐप को ओपन कर लेते हैं। और फेसबुक ऐप को ओपन करने के बाद आपको चलना है मेनू में, सॉरी फेसबुक ऐप को ओपन कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद आप अपने प्रोफाइल पे जाइएगा, ठीक है। प्रोफाइल पे जाने के बाद अब यहाँ पर आइएगा, और यहाँ आने के बाद एक ऑप्शन दिखता है सी योर अबाउट इन्फो, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखता है कंटेक्ट इन्फो एडिट, है ना, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखेगा ऐड सोशल लिंक, इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर टिकटॉक सेलेक्ट करेंगे, और आपका जो टिकटॉक का यूज़र आईडी है, जैसे मेरा है राजू 30, ठीक है ना, ये है मेरा यूज़र आईडी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको डालने के बाद, यूज़र आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हम लोग ऑटोमेटिक बैक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बैक हो चुके हैं। अब यहाँ से हम बैक होंगे और एक बार अपने प्रोफाइल को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद जो आपका टिकटॉक का अकाउंट है, लिंक है, यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हम जब भी कोई प्रोफाइल पे हमारे आएगा, इस पर क्लिक करेगा, वो तुरंत टिकटॉक के अकाउंट पर चला जाएगा हमारे, ये देखिए इस तरह, ठीक है। तो इस तरह करके आप बहुत ही आसानी से फेसबुक में टिकटॉक का लिंक डाल सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।